हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 6, और वो है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो क्या होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, पहले इसको मोटा मोटा सा समझते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में जो डिटेल पूछ रखा है आपके सिलेबस में उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस और कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर से रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? रेडिएशन निकलता है, और वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड बीमारी को ठीक करने के लिए या बीमारी को चेक करने के लिए, बीमारी के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो का मतलब रेडिएशन, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब दवाएँ, ठीक है। तो वो इस अब तो ये आपको दोनों को मिला दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो दवाएं जो रेडिएशन निकालती हैं। तो अब इसको इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, उससे आपको बात बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कोई एक आदमी है और बहुत मोटा है, क्या है, बहुत मोटा आदमी है, उसके क्या है पेट भी निकले हुए हैं पूरे, इसके मसल्स भी खूब मोटे मोटे हैं, खूब चर्बी उसके बदन में क्या है भरी हुई है, ठीक। और उसने क्या कपड़े भी बहुत सारे पहन रखे हैं, 15, 20, 25, 30, ऐसे ही चप्पल जूते कई सारे पहन रखे हैं, कई सारी टोपियां लगा रखी हैं, ठीक। अब वो क्या है जा रहा है रास्ते में, खूब तेज़ धूप हो रही है, क्या है खूब तेज़ धूप भी हो रही है, तो अब क्या करता है वो, उसको चलना मुश्किल हो जाता है, क्या हो जाता है चलना मुश्किल हो जाता है। अब बहुत तेज़ गर्मी लग रही है उसको, बहुत भारीपन लग रहा है, एक तो खुद उतना भारी है तो चल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, कहीं जा रहा है तो जा नहीं पाएगा, गाड़ी में बैठेगा तो वहाँ उसको दिक्कत होगी। तो वो क्या करता है अपने वज़न को कम करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए अपने कपड़े निकाल निकाल के फेंकता है, अपनी टोपी जो 10-12 लगा रखी उसको निकाल के फेंक रहा है, आपको क्या है हल्का करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यही एग्जांपल आप यहाँ पे समझिए, आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में कि अब तक तकरीबन 118 या 19 के करीब एलिमेंट्स क्या हैं उनकी खोज हो चुकी है, डिस्कवर हो चुके हैं। तो उन्हीं एलिमेंट्स में से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत भारी होता है, क्या होता है जिनका न्यूक्लियस बहुत भारी होता है, या ये भी हम कह सकते हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है उनका एटॉमिक मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनमें प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, तो उसमें 89 से ऊपर जो है, 89 से ऊपर के जो एलिमेंट है उसमें 89 भी शामिल है, तो इससे ऊपर के जो एलिमेंट हैं वो सब क्या होते हैं एक तरीके से रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी वो क्या है रेडिएशन निकालने वाले एलिमेंट हैं। तो वो क्या क्यों निकालते हैं वो, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को क्या हल्का करने के लिए वो क्या करते हैं रेडिएशन निकालते रहते हैं, ताकि वो थोड़ा सा हल्का रहे, उनका एटॉमिक मास थोड़ा कम हो जाए। जैसे कि वो मोटा आदमी अपने आप को थोड़ा हल्का करने के लिए, स्टेबल करने के लिए कि गाड़ी में आराम से बैठ सके, रास्ते में आराम से चल सके, तो अपने कपड़ों को उतार के फेंक रहा था, अपने टोपियों को उतार के फेंक रहा था। ऐसे ही जो ये एलिमेंट्स हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को हल्का करने के लिए, क्योंकि इनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, इनके प्रोटॉन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये बहुत समझ लिया कि बहुत भारी होते हैं, हैवी होते हैं, तो अपने आप को हल्का करने के लिए रेडिएशन निकालते रहते हैं। ये जो एलिमेंट हैं ये 98 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं, 98, 99, ठीक है, तो इनके जितना ऊपर बढ़ते जाते हैं उतना ही क्या है उसका एटॉमिक मास और बढ़ता जाता है, उसके प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ती जाती है, और वो एलिमेंट और ज़्यादा हैवी होता जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ना ये क्या करते हैं रेज अपने निकालते रहते हैं, अपने रेज निकालते रहते हैं अपने आप को हल्का करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। अब ये जो रेज निकालते हैं ना वो तीन तरीके के होते हैं। मान लीजिए ये एक क्या है एलिमेंट है कोई 98 वाला, तो ये तीन तरीके का क्या है रेडिएशन निकालता है, रेज निकालता है। तो एक होता है अल्फा, क्या होता है एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा, तीन रेज ये निकालता है। इसको चेक किया गया तो जो अल्फा होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका पॉजिटिव, ये क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये जो होता है ये निगेटिव होता है, ठीक है। इसको कैसे चेक किया गया, इसको कैसे पता लगाया क्या ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आपने पढ़ा होगा कि एनोड और कैथोड यानी ये दो तार होते हैं ना, जैसे एक पॉजिटिव तार होता है यानी जो बिजली के तार होते हैं, तो दो तरह की लाइट होती है, एक होता है पॉजिटिव एक होता है निगेटिव। आपने 10वीं में जब एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो वहाँ भी पढ़ा होगा एनोड और कैथोड के बारे में, तो दो इसके पानी के अंदर समझ लीजिए दो क्या है ये लगाए गए, ठीक, कैथोड और एनोड। ये मान लीजिए इधर वाला एनोड है, इधर वाला कैथोड, ये वाला पॉजिटिव हमारा जो चार्ज था ये पॉजिटिव था यानी फेज वायर था, और इधर जो था वो निगेटिव था यानी क्या है हमारा न्यूट्रल वायर था, ठीक।
तो जब इसमें से रेज निकली ना, इसके अंदर से तीन तरीके के रेज निकले, तो इधर एक गया, ये थोड़ा कम दूर तक गया, यानी इसके अंदर पावर थोड़ा कम था, इधर वाला थोड़ा सा और दूर तक गया, यानी इसके मुकाबले में इसकी जो पावर थी थोड़ी ज़्यादा थी। तो जो इधर वाला गया उसको हम लोग कहते हैं अल्फा, और ये क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए कि इधर हमने क्या था निगेटिव लगाया था, तो ये पॉजिटिव क्या है, निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव जो होता है वो निगेटिव की तरफ जाता है। और इधर वाला जो निकला बीटा जो था, तो ये निगेटिव हमने इसको माना, इसलिए कि इधर पॉजिटिव चार्ज था, समझ रहे हैं, इधर क्या था पॉजिटिव तार लगाया था हमने, तो ये निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन करता है। तो आपको मालूम ही है कि निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन करता है, और पॉजिटिव जो होता है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्शन करता है। और एक रेज निकली जो सीधे ऊपर चली गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं गामा। तो ये वाला जो था ये न्यूट्रल था, क्या था, ये न्यूट्रल था, ये न तो पॉजिटिव था न निगेटिव था, ठीक। तो ये इसकी थोड़ी सी कहानी है, और भी बहुत कुछ डिटेल है इसके अंदर, लेकिन आपके सिलेबस में पूछा नहीं है। आपके सिलेबस में क्या, इसका आपके सिलेबस में जो पूछा है वो हम लोग अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो रेज निकलता है क्या डेंजरस होता है, अगर डीएनए के कॉन्टेक्ट में आता है तो डीएनए को डैमेज भी ये कर सकता है। जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर से रेज निकल रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और यही एलिमेंट जब किसी दवा के साथ में मिला दिए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल। तो आपको समझ में आ गया कि रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, यानी ऐसे फार्मास्यूटिकल्स जिनके अंदर से क्या है रेडिएशन निकलती है। अब ये क्या है, इनका इलाज किया जाता है, कई सारे इलाज हैं, लेकिन खास तौर से ये क्या है, ये कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए इनका इलाज किया जाता है। और ये जो रेज होते हैं ये क्या डीएनए पे अटैक करते हैं और डीएनए को किसी हद तक डैमेज कर देते हैं। आपने फार्मेकोथेरापेटिक के अंदर पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव आयोडीन, हाइपरथायरॉयडिज्म वाला जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पढ़ाया था कि एक तरीके की दवा इसको यूज़ होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, यानी बहुत ज़्यादा थायरॉयड हार्मोन निकल रहे हैं, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई सारी दवाएं दे रहे थे कि कैसे उसको कम किया जाए। तो एक दवा ऐसी थी जिसका नाम था रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो वो रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करती है, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके सेल को डैमेज कर देती है। तो वो भी एक तरीके का क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है। ऐसे कैंसर का भी इलाज करने के लिए इसको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपने असल टॉपिक पे आते हैं, असल मुद्दे पे आते हैं। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, तब आपको अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये डेफिनेशन इसका अच्छे से समझ में आएगा। तो दोज कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस दैट एमिट्स और रिलीज रेडिएशंस एंड आर यूज्ड फॉर थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस आर कॉल्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक। कि वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंस जो कि क्या है एमिट करते हैं, क्या करते हैं, एमिट करते हैं या रिलीज करते हैं। एमिट करने का मतलब भी होता है छोड़ना, जैसे कि रोशनी को छोड़ना, रेडिएशन को छोड़ना, किसी चीज़ को अपने से निकालना, ठीक है। तो एमिट करना या रिलीज करना रेडिएशन को, तो जो सब्सटेंस क्या करते हैं रेडिएशन को रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक पर्पज, और वो क्या है थेरापेटिक यानी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं, या तो फिर क्या है बीमारियों के चेकअप के लिए, डायग्नोस करने के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब ये जो दवाएँ आती हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, उनके ये सिंबल हैं, ये क्या है, ये सब उन्हीं के सिंबल हैं। एक ये वाला सिंबल यूज होता है और एक ये सिंबल यूज होता है, और ऐसे इसको घेर के रखा जाता है, ठीक है, सर्कल करके रखा जाता है। तो ये इसका सिंबल होता है, जो भी इसकी दवाएं आएंगी आप देखेंगे उसके ऊपर ये क्या इस तरीके का एक सिंबल बना रहता है। तो ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, यानी ऐसी दवाएं जिनके अंदर से रेडिएशन निकलती हैं, क्योंकि वो डेंजरस होती हैं, तो इसलिए उसके ऊपर ये सिंबल लगाया जाता है कि सामने वाला थोड़ा सतर्क हो जाए, मोहतात हो जाए। अब एक टॉपिक था आपके सिलेबस में हैंडलिंग, आपके सिलेबस में असल था क्या था स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, लेकिन उसी से रिलेटिंग क्या है ये एक टॉपिक और है हैंडलिंग, यानी इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो पहले हम लोग हैंडलिंग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्टोरेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर नॉट इन यूज मस्ट बी केप्ट इन सील्ड कंटेनर, तो ये कह रहे हैं कि जब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो ऐसी दवाएं हैं अगर वो यूज़ में नहीं है तो उनको ज़रूर क्या है सील्ड कंटेनर में रखना, यानी ऐसा कंटेनर जिसको अच्छे से क्या है बिल्कुल पैक कर दिया गया हो, बहुत अच्छे से सील कर दिया गया, उसके अंदर इसको रखा जाएगा अगर उनका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल, ठीक। द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मस्ट नॉट कंटामिनेट द वर्किंग एरिया, और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, इस एरिया में क्या है काम किया जा रहा है, मतलब जहाँ पे ये दवाएं बनाई जा रही हैं वहाँ पे हैंडल की जा रही है, रखी जा रही है, स्टोर की जा रही है, तो गिरना नहीं चाहिए, सामने आसपास के एरिया को कंटामिनेट नहीं करना चाहिए, आसपास के एरिया में ये दवाएं क्या है बिखरनी नहीं चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, ये मतलब है कंटामिनेट का असल मतलब होता है गंदा करना।
और क्या इसके बारे में, तो अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पर्संस एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मस्ट बी अवॉइडेड। तो कह रहे हैं कि अननेसेसरी मूवमेंट, यानी ये कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसी दवाएं रखी गई हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं ये नहीं कि बार बार इसी में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो सामान है अगर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो वो एक जगह रखे हैं, वहीं पर रहने दिया जाए, यानी कि उनको उठा के इधर उधर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो वो गिर जाएंगे, दिक्कत होगी। और क्या है, ऑल रेडिएशन वर्कर मस्ट वियर सुइटेबल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड सर्जिकल ग्लोव्स एंड शुड हैव रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस। तो ये कह रहे हैं कि जो भी लोग इसमें क्या है रेडिएशन से रिलेटेड जो दवाएं वगैरह हैं उनका लेना ले जाना, ऐसे काम जो भी कर रहे हैं, तो उनको क्या है सुइटेबल प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग होना चाहिए, यानी उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हों जो रेडिएशन से उनको बचाने वाले हों। और क्या है उनके पास में सर्जिकल ग्लव्स होना चाहिए, यानी हाथ में उन्होंने क्या है जो रबर वाले जो रबर के वो दस्ताने आते हैं तो वो उन्होंने पहन रखे हों। एंड शुड हैव रेडिएशन मॉनिटर डिवाइस, और उनके पास एक ऐसी डिवाइस भी होनी चाहिए जो मॉनिटर करती है रेडिएशन को, ताकि उनको पता लगे कि यहाँ पर रेडिएशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा होगा तो उससे बचा पाएंगे अपने आप को, नहीं तो पता चला कि रेडिएशन निकल रहा है उनके बॉडी के अंदर जा रहा है, उनको पता भी नहीं है, और उनके बॉडी के सेल क्या है डैमेज हो रहे हैं। और क्या है, टू कैरी लिक्विड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स द ट्रेज शुड बी यूज्ड विद एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर फॉर एब्जॉर्बिंग एनी एक्सीडेंटल स्प्लेज। तो इसका क्या मतलब है, ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं ये क्या है लिक्विड भी आते हैं और सॉलिड भी आते हैं। तो कह रहे हैं अगर लिक्विड वाला आदमी कहीं लेके जा रहा है, ले आ रहा है, तो उसको ऐसे ट्रेज के अंदर उनको रखना चाहिए, ऐसे ट्रे के अंदर लेके आना जाना चाहिए जिसके अंदर क्या टिश्यू पेपर रखे हुए हों जो के एब्जॉर्बेंट हों, यानी अगर वो लिक्विड गिर जाए तो उसको सोख सकते हों, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हों, ताकि वो क्या है वो जिस जगह पे गिर रही है वहाँ पे दिक्कत ना हो। मान लीजिए अगर ज़मीन पे गिर गई तो फौरन जो टिश्यू पेपर है उसको वहाँ पे रख दिया जाए, ताकि वहाँ से वो और इधर उधर ना जा पाए, उसको वो क्या है जो टिश्यू पेपर उसको सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक। और क्या, स्मोकिंग ईटिंग ड्रिंकिंग एंड लाइक दैट एक्टिविटीज़ आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एरिया ऑफ द रेडियो एक्टिव वर्क। और जहाँ पे रेडियो एक्टिव काम हो रहा है, यानी जहाँ पे दवाएं बन रही हैं या जहाँ पे उसको रखा जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, तो ऐसे एरिया के अंदर स्मोकिंग नहीं करना है, मतलब सिगरेट वगैरह नहीं पीना है, खाना वगैरह नहीं खाना, पानी वगैरह या और भी ड्रिंकिंग कोई भी टाइप की वो सब कुछ भी नहीं करना है, और इस जैसे और भी जो दूसरे काम है वो सब काम वहाँ पे नहीं करना है, बहुत सख्ती से मना किया गया है। अब इसका स्टोरेज के बारे में देख लीजिए, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मस्ट बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर। तो इनको क्या करेंगे हम लोग, ये भी जो भी ऐसी दवाएं हैं उनको क्या करेंगे वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, क्या बहुत अच्छे से बंद होने वाले कंटेनर के अंदर रखेंगे, और क्या है वो एयर टाइट कंटेनर हो, यानी हवा का भी आदान प्रदान ना हो पाता हो, हवा भी क्या उधर से निकल आ पाती हो ना तो जा पाती हो आती हो। और क्या है, दी कंटेनर्स शुड बी डार्क, और वो जो कंटेनर जिसके अंदर ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स रखे जा रहे हैं वो डार्क में होना चाहिए, और ज़्यादातर इनके लिए येलो कलर पीला कलर यूज़ किया जाता है, ठीक। दे शुड बी स्टोर्ड इन अ सील्ड प्लेस, और इनको ऐसी जगह पे स्टोर करना चाहिए जो कि सील्ड हो, यानी वहाँ पे ताले लगे हुए हों, यानी कि जो जिसका मन कर रहा आ रहा जा रहा ऐसी जगह पे इनको स्टोर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दे शुड बी स्टोर्ड फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, और इनको क्या है बहुत लंबे समय तक के लिए अपने मतलब मान लीजिए फार्मेसी है जहाँ पे भी इनको रखा जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर, तो बहुत लंबे समय तक के लिए इनको नहीं रखा जाना चाहिए। और क्या है, स्टाफ शुड नॉट एक्सपोज देमसेल्व टू रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, और जो स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं मान लीजिए फार्मेसी के अंदर या जहाँ पे भी, तो अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे, यानी मान लीजिए वो दवा क्या है खुली हुई है और पता चला ये भी कोई प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं कर रखी है इन्होंने, कोई ऐसे मतलब कोई अपने ऊपर कोई प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ड्रेसिंग नहीं कर रखी, कोई कपड़े नहीं पहन रखे ऐसे, और उसके जाकर कॉन्टेक्ट में जा रहे तो वहाँ से रेडिएशन निकलेगा और इनको डैमेज कर सकता है तुरंत उसका, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका इफेक्ट तुरंत पड़े, हो सकता है बाद में उसका इफेक्ट दिखे और कैंसर हो जाए आपको। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं इस वाले फील्ड में, यानी जहाँ पे ये रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स वगैरह का काम है जहाँ पे रखे हुए हैं, तो अपने आप को बिना प्रोटेक्शन के उसके कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है। अब एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में पूछ रखा है, वो है डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो डिस्पेंसिंग आप जानते ही है कि मान लीजिए जैसे कि मैं पर्ची लेके आया और आपको दिया कि ये दवा मुझे चाहिए, आप मेडिकल स्टोर चला रहे तो आप निकाल के मुझे वो दवा दे देते हैं, तो ये क्या होता है एक तरीके से डिस्पेंसिंग होता है। तो कैसे डिस्पेंस करेंगे तो उसके रिगार्डिंग हमको क्या ध्यान में रखना है, तो डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड बी सेफ सिंपल एंड रिलायबल। तो ये कह रहे हैं कि इसकी जो डिस्पेंसिंग है वो क्या बहुत सेफ तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि लापरवाही से कर रहे हैं, ऐसे ही क्या सिंपल तरीके से किया जाए, बहुत उसमें ये झाम ताम ना हो, और क्या इसको रियलाइजेबल होना चाहिए।
रिलायबल का मतलब ये होता है कि भरोसेमंद, तो इसका क्या मतलब है? तो ये कह रहे हैं कि ये किसी को भी आप ये दवा नहीं देंगे, बल्कि जो कोई भरोसेमंद है उसी को आप ये दवा देंगे, नहीं तो पता चला ला के किसी के ऊपर फेंक दे रहा है ये दवा। समझ में आ रही बात? किसी के ऊपर किसी से दुश्मनी है, ला के उसके ऊपर फेंक दिया या उसको किसी तरीके से खिला दिया, तो पता चला बेचारा वो तो गया। तो और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड नॉट बी डिस्पेंस टू पेशेंट डायरेक्टली, यहाँ पे लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो पेशेंट को डायरेक्टली डिस्पेंस नहीं की जाएंगी। समझ में आ रही? मान लीजिए कोई पर्ची लेके आ रहा है कि मुझे ये दवा दे दीजिए, तो कह रहे हैं कि पेशेंट को डायरेक्टली ये दवा नहीं दी जाएगी। किसको दी जाएगी? बट डिस्पेंस टू दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, बल्कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको ये दवाएं डिस्पेंस की जाती हैं। मान लीजिए मुझे इस दवा की ज़रूरत है, डॉक्टर ने लिखा है, तो मैं अगर लेने जाऊंगा तो मुझे वो नहीं देंगे। समझ में आ रही? कोई उस हॉस्पिटल का या जहां से मैं दवा इलाज करा रहा हूं वहां से कोई बंदा आएगा जो भरोसेमंद है, तो उसको वो दवा देंगे, फिर वो ला के मुझे एडमिनिस्टर करेंगे ये दवाएं। और क्या ध्यान रखना है इसमें, दी रिकमेंडेड डोज शुड बी डिटरमाइंड बाय द फार्मासिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट हिस्ट्री, एज एंड वेट एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि जो उसमें डोज लिखा गया है, मतलब पेशेंट के लिए डोज बताया गया कि ये इतना 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 जितना भी बताया गया, तो कह रहे हैं कि इसको देखेगा और ध्यान से पढ़ेगा, डिटरमाइन करेगा कि ये डोज इसके लिए मुनासिब है कि नहीं है। पता चल रहा है उसकी एज तो कम है और जो डोज है बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, तो उसको भी वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि जिस आदमी के लिए डोजिंग की जा रही है, ये प्रिस्क्रिप्शन की गई है, उसके लिए मुनासिब है कि नहीं है। और क्या करेगा ये, यानी और क्या जिम्मेदारी है? तो दिस ड्रग्स शुड बी डिस्पेंस्ड ओनली ऑन दी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, और ये दवाएं क्या हैं, सिर्फ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पे ही क्या है, डिस्पेंस की जाएंगी। ओटीसी ये दवाएं किसी को नहीं दी जाएंगी, ओवर द काउंटर ये दवाएं नहीं दी जाएंगी। जब तक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा तब तक नहीं दी जाएंगी, और वैलिड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। नेसेसरी रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड, और क्या है, जो ज़रूरी रिकॉर्ड्स हैं वो सब क्या करना है, मेंटेन करना है, यानी ये दवा कब किस पेशेंट के लिए दी गई, किस दिन दी गई, कितनी दी गई, ये सारी चीज़ें जो इसकी नेसेसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मेंटेन की जाएंगी। एक और टॉपिक है इसके अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब आपको मालूम है कि जो भी दवाएं हैं वो क्या होती हैं, एक टाइम आता है उनके एक्सपायर हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं वो। अब ये जो वेस्टेज हैं उनको डिस्पोज करना पड़ता है, यानी समझिए उनको ठिकाने लगाना पड़ता है, उनसे जान छुड़ानी पड़ती है। मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मेरी फार्मेसी है, मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारी दवाएं एक्सपायर हो गई हैं तो यहीं पे रहेंगी, सड़ेंगी, गलेंगी, ऐसा तो नहीं है ना, उनको निकालना पड़ता है। तो क्या करेंगे, ला के रास्ते में फेंक देंगे, क्या करेंगे उन दवाओं को? तो वो जो दवाएं होती हैं उनको ज़मीन खोद के गाड़ देते हैं, या तो फिर क्या है, समंदर नदी के पानी के अंदर बहा देते हैं, लिक्विड है तो उसको पानी के अंदर बहा देते हैं, इंसिनरेशन होता है यानी उसको जला देते हैं। तो ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है इनका क्या करेंगे हम? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होती है दो तरीके की होती हैं, एक ऐसी होती है जो लो लेवल की होती है, यानी उनके अंदर रेडिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है और उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, बहुत जल्दी क्या है वो, उनका जो रेडिएशन रिलीज़ करने की जो पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है, वो कम टॉक्सिक रह जाते हैं, कम डेंजरस रह जाते हैं। दूसरी जो दवाएँ, दूसरी जो है वो क्या, बहुत हाई लेवल की होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर रेडिएशन होता है और 50-50 साल तक लग जाता है, उनका रेडिएशन ख़त्म नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो जो लो लेवल वाली जो दवाएं होती हैं, जो इनका मतलब जिनका के रेडिएशन बहुत कम है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर भी क्या है, नॉर्मली ज़मीन खोद के 5 से 10 मीटर के अंदर उनको हम उसमें गाड़ सकते हैं, जिसको लैंडफिल बोलते हैं वो कर सकते हैं, या उनको क्या है, हम लोग पानी वगैरह के अंदर भी बहा सकते हैं, तो वो इतनी डेंजरस नहीं है, ठीक। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं उनके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे से सील पैक करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं तकरीबन 50 साल तक। कितना? तकरीबन 50 साल तक उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। समझ में आ रही बात? कितना? तकरीबन 50 साल तक उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि उनका जो रेडिएशन है वो कम हो जाए, जो उसमें से रेडिएशन रिलीज हो रही है वो कम हो जाए। जब वो कम हो जाती है फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं ज़मीन के अंदर, अगर करना हो या इंसिनरेशन करना हो या कुछ और करना हो, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और उसको जब हम लोग डिस्पोज भी करते हैं तो डीप
बरियल बोलते हैं उसको, डीप बरियल करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गहरा खड्डा खोदते हैं और उसके अंदर उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके अंदर उसको हम लोग दबा देते हैं, दफन कर देते हैं। और वो गड्ढा कितना होता है, तकरीबन 500 से लेके 1000 मीटर तक, यानी 1 किलोमीटर तक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको दबाया जाता है। अब ये जो दवा है उसकी कितनी डेंसिटी है, मतलब कितना ज़्यादा वो क्या रेडिएशन रिलीज कर रहे, कितनी हैवी है, उसके हिसाब से गड्ढे वगैरह खोदे जाते हैं। तो चलिए अब हम इसमें क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर नॉट डिस्पोज्ड जस्ट लाइक अदर ड्रग्स, तो जो नॉर्मल टाइप की दवाएं हैं उनकी तरह से इनको क्या है, डिस्पोज नहीं किया जाता, ठिकाने नहीं लगाया जाता है। अब दूसरी बात, लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्टेज आर डिस्पोज इंटू लैंड एट 10 मीटर डेप्थ, तो जो लो लेवल वाले हैं यानी जिनका रेडिएशन बहुत लो है, तो उनको 10 मीटर तक की ज़मीन खोद के उसके अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है। और जो हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्टेज होते हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं तकरीबन 50 साल के लिए। अभी उसको कैसे हम लोग स्टोर करते हैं उसकी पूरी मतलब एक स्टेप्स हैं, तो आगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो कितना करते हैं, 50 साल तक के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं बिफोर डिस्पोजल, उसको डिस्पोज करने से पहले, यानी पहले उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं कि उसके जो अंदर जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। एंड देन दे आर डिस्पोज इनटू डेप्थ ऑफ 500 to 1000 meters, यानी 500 से 1000 मीटर, यानी आधा किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर तक की गहराई खोद के उसके अंदर हम लोग उसको दबा देते हैं, दफन कर देते हैं। अब स्टेप्स बिफोर डिस्पोजल, आप डिस्पोजल करने जा रहे हैं जो हैवी टाइप की, जो मतलब ये जो हैवी टाइप के जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको डिस्पोजल करना है, तो उससे पहले कुछ हम लोग स्टेप्स करते हैं, वो क्या करेंगे देखिए। दे आर पुट इन येलो कलर प्लास्टिक एंड स्टोर्ड, क्या स्टोर्ड या प्लेस्ड स्टोर्ड इन ए सेपरेट प्लेस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो मतलब वेस्ट हो गया, जो एक्सपायर हो गया है, उनको हम लोग क्या करते हैं येलो कलर के प्लास्टिक बैग के अंदर, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे पीले कलर की जो प्लास्टिक आती है, पन्नीक आती है, उसके अंदर हम लोग उसको रखते हैं, ठीक है, वो करेंगे। और उसको क्या करेंगे, एक सेपरेट जगह में रखेंगे, यानी चूंकि वो एक्सपायर हो गया तो उसको अलग रखेंगे हम। फिर क्या करेंगे, सॉलिड शुड बी फ्री फ्रॉम लिक्विड्स, जो सॉलिड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको क्या करेंगे हम लोग लिक्विड से अलग रखेंगे। ये दोनों टाइप के आते हैं, तो लिक्विड वाले को सॉलिड में नहीं मिलाएंगे, सॉलिड वाले को लिक्विड में नहीं मिलाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अटैच ए डेंजरस टैग, और उसके ऊपर हम लोग एक टैग लगाएंगे जो ये बताता है कि डेंजरस, आपने देखा होगा ना डेंजरस का एक सिंबल बनता है, तो वो उस पर हम लोग लगा के रखेंगे ताकि लोग उससे दूर रखें। और दूसरे उसके ऊपर ये आप देख पा रहे होंगे जो बैग है उसके ऊपर इस तरीके का सिंबल बना होना चाहिए जो रेडियो एक्टिव का सिंबल है, और यहाँ पर लिखा रहेगा क्वेश्चन, यानी सावधान रहिए थोड़ा, ठीक। और क्या करेंगे फिर उसके बाद, सील दी बैग व्हेन इट इज़ फुल, और जब ये क्या है बैग फुल हो जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सील कर देंगे। अब ऐसा तो नहीं कि आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है वो सब एक ही बार आ जाता है, मान लीजिए कुछ 2 महीना पहले वेस्ट हो गए तो इस बैग के अंदर उसको करके एक साइड में रख देंगे, ठीक। और फिर जो दूसरे और क्या है वेस्ट हो रहे हैं और एक्सपायर हो गए तो फिर उसको ला के रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे रखते रहेंगे, जब वो भर जाएंगे, जब वो जो बैग है जो पॉलीथीन है जब वो भर जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सील कर देंगे। और याद रखिएगा ये बैग पीले कलर का होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है अगर पीले कलर का रहे, क्योंकि उसके लिए वो सिंबलाइज किया गया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सील्ड इट इन ए क्लियर प्लास्टिक बैग, जब एक पैकेट भर गया तो उसके ऊपर से एक क्या और क्या है हम लोग क्लियर टाइप का जो मतलब वाइट कलर का समझिए पन्नी या कोई और भी पॉलीथीन है उसके अंदर हम लोग उसको क्या करेंगे, दोबारा से उसके अंदर पैक करेंगे, यानी उसके ऊपर समझिए एक कवरिंग और चढ़ा देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, मूव इट वेस्ट स्टोरेज एरिया। फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टोरेज एरिया जो वेस्ट का स्टोरेज एरिया है जहाँ पे वेस्ट रेडियो एक्टिव को रखा जाता है, फिर वहाँ पे उसको हम लोग क्या करेंगे, पहुँचा देंगे। अब ये हर मतलब बड़े शहर के अंदर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो अपना एक क्या है ऐसा एरिया बना के रखती हैं जहाँ पे क्या है ये जो रेडियो एक्टिव जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो जो वेस्ट हो जाता है तो उनको वहाँ पे लाके क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और ये जो है ना ये जो मतलब स्टोर एरिया है और ये जो वेस्ट स्टोर एरिया है सरकारी तौर पे भी बनाए जाते हैं, तो ठीक है, तो इसको हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, मूव करवा देंगे, वहाँ भेजवा देंगे। जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, ये ज़मीन के अंदर क्या है जगह एक गड्ढा खोद दिया गया है,
जमीन के अंदर क्या है, एक गड्ढा खोद दिया गया है और उसके अंदर क्या है, ये डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये लोहे के टीन वाले डब्बे होते हैं बहुत मजबूत वाले, तो उसके अंदर उनको पैक किया जाता है। और बहुत इसमें क्या है, थोड़ी सावधानी बरती जाती है, जो लिक्विड वाले होते हैं उनको इन डब्बों में या प्लास्टिक के डब्बों में जो डब्बे आते हैं, कैन आते हैं, उसके अंदर उसको क्या बैग बंद करते हैं, बहुत अच्छे से सील करते हैं, फिर उसको ला के स्टोर कर देते हैं। देखना कैसे इसको सेपरेट ला के रखा हुआ है, ये क्या है, ज़मीन के अंदर एक मतलब जगह बनाई गई है, उसके अंदर इसको ला के रखा गया है। तो ऐसे मतलब अलग अलग जगह पे स्टोर बना दिया जाता है, जहाँ पे वेस्ट जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको वहाँ पे ला के रखा जाता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं। चूँकि आपने अभी पढ़ा है कि जो मतलब हाई लेवल के रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनको डिस्पोज करने से पहले 50 साल तक 40 साल तक क्या है स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसको ये सब करने के बाद उसको ला के हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। जब उसका जो रेडियो एक्टिव पावर है जब वो कम हो जाता है तब उसके बाद हम लोग उसको डिस्पोज करते हैं। अब इसके डिस्पोजल करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है इंसिनरेशन, यानी क्या, कोई मतलब आपने देखा होगा हीटर आते हैं बहुत तेज़ वाले हीटर, तो उस पर रख के उसको जला दिया जाता है। या आपने देखा होगा जो ईंट बनने वाला भट्टा वगैरह होता है, जहां पे ईंट बनती है, चिमनीज होती हैं, तो उन चिमनीज के अंदर भी उसको मतलब उस टाइप के मतलब उसी टाइप की चिमनीज होती हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो बहुत तेज हीटिंग देके उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। या फिर क्या, पानी मान लिया लिक्विड वाला है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके, एक ही बार पूरा नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी के अंदर जो मतलब नालियाँ बड़ी जो गटर्स होते हैं उसके अंदर बहा दिया जाता है। ऐसे ही क्या है, बरियल किया जाता है। बरियल का मतलब होता है उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए, दफन कर दिया जाता है। एक होता है डीप बरियल, जिसको जियोलॉजिकल भी बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढा खोद के 500 से लेके क्या है 1000 मीटर तक का गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको हम लोग डाल देते हैं। और एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकिल एंड रीयूज़, यानी अगर वो दवाएं इस लायक हैं कि उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा से उनको कारगर बनाया जा सकता है, तो उसको दोबारा से बनाया जाता है और फिर उसको रीयूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट तो आपका, तो ये जो चैप्टर था यहीं पर कम्प्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड में चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सारी वीडियोस की क्या है पूरा चैप्टर का एक साथ में क्या है वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अब मान लीजिए इस पर क्या होता है, यूट्यूब पर अलग अलग चैप्टर होते हैं, एक ही चैप्टर के कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उस पार्ट के हिसाब से मैं PDF अपलोड कर देता हूँ। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पर मैं चैप्टर वाइज वाइट बैकग्राउंड में क्या है इसको PDF को अपलोड करता हूं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से ये PDF मिल जाएगा। और वहां पे आपको जाके मांगना नहीं है, बल्कि आप जाएंगे और ऊपर जहां पे लिखा होगा SR फार्मेसी उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, मेंबर वगैरह और ऐसे ही, तो उसी में एक ऑप्शन होता है फाइल का, फाइल पे जाके क्लिक करिएगा, आपको उसमें सारे बहुत सारे उसमें क्या आपको सारे PDF मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से वहां से ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब हमको दीजिए छुट्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।